Hi guys, I'm back. Welcome to our RF Lamchani's vlogs. What's up guys? I'm so sorry guys. मैं morning में afternoon में evening में नहीं आ पाई because I was busy little bit. But मैंने सोचा जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करूँ ना मेरा दिन पूरा नहीं होता. मुझे अभी तो दिन पूरा भी हो गया, रात आ गई guys. तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आप लोगों से कर लूँ. और बताइए गाइस कैसे हैं आप लोग सब, कैसे रहा आज का दिन आपका? अभी तो रात हो गई गाइस, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. एंड आज का टॉपिक है नानी. पता नहीं आज काफ़ी सालों बाद, वैसे तो हमेशा ही आती है मुझे नानी की याद, मुझे नानी की याद आ गई आज. मतलब एक जैसे कि कहते हैं ना, जब हम छोटे रहते तो तभी उस वक्त नैनी वगैरह कोई नहीं हुआ करती थी. जो नैनीज रहती हैं हमारे लिए भी नैनीज थी, लेकिन मोस्टली हमारी नानी ने ही हमें संभाला है, खूब प्यार दिया है. जैसे कि वो खुद कम खाती थी और खुद की प्लेट में से हम लोग के साथ शेयर करती थी. कि वो कहती थी नहीं, मेरी बेटी की बच्चे कहीं भूखे ना रह जाए. बिकॉज लाइक हम लोग कैसे बच्चे काफ़ी हुआ करते थे, जैसे कि नानीज को पता है ना बच्चे उससे बहुत लगाव रहता है, स्पेशली जो उनकी फेवरेट डॉटर रहती है उनके बच्चों से. तो मेरी मम्मा हमेशा से मेरी नानी की फेवरेट डॉटर हुआ करती थी, तो वो हमेशा से हमें ज़्यादा प्यार करती थी, काफ़ी प्यार करती थी. बिकॉज सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम ही थे. एंड लाइक नॉट खूबसूरत, नॉट दिस इज़ बिकॉज ऑफ खूबसूरती एंड ऑल, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली दैट अटैचमेंट्स विच शी हैड विद अस. लाइक वो अटैचमेंट, वो सब कुछ हमारे साथ जो नानी का था हमारा, तो उस हिसाब से वो हमेशा अटैच हमसे रहती थी एंड हमसे प्यार करती थी, काफ़ी प्यार करती थी वो. तो मुझे आज भी याद है जब लाइक मम्मा मुझे लंच बॉक्स देती थी, तो मैं हमेशा से, मैं ना स्कूल में नहीं खाती थी वो लंच बॉक्स. मैं मॉर्निंग में क्या करती थी, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं स्कूल बस के लिए जाती थी. दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग बाई मानकोट, तो मैं सबसे पहले नानी के पास जाती थी, नानी का आशीर्वाद लेती थी, फिर स्कूल बस के लिए रवाना होती थी. तो नानी को मैं वो डब्बा बकायदा देती थी. हालांकि ऐसा नहीं है, मम्मा दो दो डब्बे देती थी. तो कभी अगर मम्मा ने डब्बा एक ही दिया वो गलती से या वॉट एवर मे बी वॉट, तो मैं नानी को वो डब्बा देती थी. नानी को बोलती थी ये मम्मा ने आपके लिए दिया है, मेरे लिए ऑलरेडी डब्बा है इसमें. मम्मा पर्पसली नहीं करती थी, मम्मा भूल जाती थी. बिकॉज मम्माज को पता है ना मॉर्निंग में इतने सारे काम रहते हैं, तो मम्माज अक्सर भूल जाया करती है. तो मम्मा को लगता था नानी मतलब वो डब्बा एक्चुअली नानी के लिए ही था, मेरे लिए भी डब्बा लंच बॉक्स दे चुकी है. तो मैं नानी को बोलती थी कि ये ले लो और मेरा डब्बा अलग है. मैं ऐसे झूठ बोलती थी नानी से. तो नानी बोलती थी, वो बड़ी शानी थी, बता बता तेरा डब्बा का. मिले नानी मुझे बहुत टाइम हो रहा है, मेरी बस आ जाएगी, स्कूल बस, मुझे जाने दो प्लीज़. ऐसे में उपटाल कर फट से बैग अपना लेकर भाग जाती थी नानी को डब्बा थमाकर. फिर क्योंकि नानी को बीपी था, तो यू नो ना ओल्ड एज कैसा होता है, अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो उनके पेट में काफ़ी गैस भर जाती है, जलन होने लगती है अगर उन्हें टाइम पर परफेक्टली खाना नहीं मिला तो फिर वो खाया करती थी. और फिर ऐसा कभी मौका आता था, मैं कंटाला करती थी मेरी मम्मी के पास जाने का कि काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं ट्रैवल कैसे करूँ ट्रेन से एंड ऑल. तो फिर बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन मानकोट, तो फिर बिकॉज हम लोग शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे बॉम्बे साइन से, तो मैं वहाँ रुकती थी. फिर नानी का कैसा था ना, मैंने कुछ रिलेटिव्स बड़े हरामी रहते हैं, नानी जो हमारे लिए करती थी वो उनको देखा नहीं जाता था. जैसे कि मैं उनका नाम नहीं रिवील कर सकती या ना ही कुछ मैं बोल सकती हूँ उनके साथ मेरा, मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों का नाम भी रिवील करने के लिए और मतलब कंपैरिजन करने के लिए और बोलने के लिए भी कि कभी वो मेरे रिश्तेदार हुआ करते थे. अभी तो मैं वो एग्जिट भी नहीं करते मेरे लाइफ में. तो नानी हमसे कुछ भी शेयर करती थी ना, जैसे कि मिस फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्किट्स हो टोस्ट हो या ब्रेड बटर हो कुछ भी हो, तो वो शेयर करती थी. वो हमेशा मेरे भाई के साथ, मेरे साथ वो शेयर करती थी. जब भी मेरा भाई भी जाता था तो क्योंकि वो लोग रहते हैं ना, बाकी सब लोग खाना, जैसे कि बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं तुम्हारे, जैसे कि मामी लोग हो, मासी लोग हो, नहीं देती कोई कोई लोग. तो नानी क्या करती थी, अपने प्लेट से ना
शेयर करती थी हमारे साथ, बोलती थी पहले नहीं, पहले तू खा, पहले तू खा। हम दोनों के साथ अक्सर ऐसे करती थी, आप बोलती थी नहीं पहले तू खाओ। अगर एक रोटी होती थी तो आधी रोटी हमें खिलाती थी, आधी वो बेचारी खुद खाती थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं रहा करते, मम्मी पॉकेट मनी देती थी हम लोग को, तो हम लोग नीचे से वड़ा पाव या कुछ भी मतलब लेकर खा सकते थे। बट नानी तो नानी है ना, नानी मार समान रहती है, सो दैट्स वाई शी ऑलवेज कीप शेयरिंग एंड ऑल लाइक दैट। सो इसलिए थोड़ा सा फिर मैं आज भावुक हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस अबाउट नानी एंड ऑल दैट्स वाई। तो आप लोग ज़रूर बताना आपकी नानी का एक्सपीरियंस क्या है, मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में या मैसेंजर पे मुझे मैसेज करना और बताना ज़रूर कि आप लोग का एक्सपीरियंस नानी माँ के साथ कैसा है। क्योंकि अभी तो काफ़ी नानीज आ गई है, एक्चुअली नानी मैं तो बोलती हूँ काफ़ी वो लोग अनलक्की होते हैं जिनकी नानीज अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी बच्चे लकी है जिनकी नानी अवेलेबल है। जब हमारी नानी हमारे पास थी तो हम काफ़ी अपने आप को लकी महसूस करते थे। एक्चुअली हम अपने मम्मी को मिस भी नहीं करते थे, सोचो आप, मेरा भाई, मैं, हमें ऐसा लगता था हमारी नानी हमारी माँ है। ऐसा नहीं कि मम्मा हमारे पास नहीं थी या कुछ और लेकिन ऐसा लगता है ना दादी से ज़्यादा नानी ने हमें संभाला, इतना प्यार किया, सब कुछ हमें दिया, जो चाहे हमें मिला। उनके रहते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ उस घर में जाकर, जो नानी का मेरे खुद का घर है, वहाँ पे जाके कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम किसी पराये के घर में आ गए या स्ट्रेंजर के घर में आए। और अभी ऐसा, अभी उस घर में जाने के लिए ना एक डर सा लगता है, एक ऐसा लगता है कि कहीं वो घर पराया तो नहीं, कहीं वो वहाँ पे स्ट्रेंजर तो नहीं रह रहे, वो कहीं अपना है या नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जब नानी थी तो पूरे हक से 100% हक से जाते थे, 100% एक ये रहता था, फीलिंग्स रहती थी, वो फीलिंग्स नानी के साथ कनेक्ट हुआ करती थी, कनेक्शंस था, वो कनेक्शन ही अलग रहता था। ऐसा है, वाई यू डिस्टर्बिंग, तो इसीलिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आप लोग का कैसा कनेक्शन है, यदि अगर आपके पास नानी अवेलेबल है तो यू गाइज आर सो लकी। या मैं काफ़ी मिस करती हूँ मेरी नानी से। मेरी नानी है ना, हमेशा है ना एक बात बोलती थी, मतलब वो मुझे बोलती थी कि वो साईं बाबा में काफ़ी विश्वास रखती थी, काफ़ी मतलब काफ़ी। वो मुझे बोलती थी तुम्हें कभी भी लाइफ में कोई भी ह्यूमिलेट करे, इंसल्ट करे, कुछ भी करे, तुम कभी भी ना हार मत मानना, तुम हमेशा ये सोचना, ये डट के रहना कि नहीं तुम्हारी लाइफ ऑसम है, अच्छी है, सही है, और तुम्हें प्यार करने वाले आसपास बहुत लोग हैं। एक्चुअली हमारी नानी, मेरी नानी बहुत सीधी साधी और अच्छी थी गाइस, लेकिन कुछ रिलेटिव्स रहते हैं ना, एक्चुअली काफ़ी इन्फ्लुएंस में नानी बाद में आ चुकी थी रिलेटिव्स के, जैसे मामी, चाची, मासी, मामा, काफ़ी इन्फ्लुएंस में दूसरों के आ गई थी। क्योंकि किसी, बिकॉज ऑब्वियस, बट ऑब्वियस उन लोगों को जलन हुआ कर, जलन होती थी कि तुम इसके ही बच्चों से, यही बेटी के बच्चों से प्यार कैसे करती हो, हमारे बच्चों से तो इतना प्यार नहीं करती, इसके बेटी, ये बच्चे खूबसूरत है, अच्छे दिखते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा इनसे प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे माँ को अपने बच्चे सारे अच्छे रहते हैं, वैसे नानीस को भी अपने बच्चे एक समान रहते हैं, वो इसका बच्चा खूबसूरत है, उसका बच्चा खूबसूरत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। नानी माँ तो नानी माँ ही रहती है। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक्चुअली वो मेरी ड्रीम में आई थी, काफ़ी दिनों से मेरे ड्रीम में आ रही है, जैसे कि मुझसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे वो मुझे कह रही है कि तू कुछ तो कर, लाइक मेरी जो पूंजी है, जो मेरा घर है, तो कैसे पैसे, मतलब पैसों का अरेंजमेंट कर या कुछ भी कर, कुछ भी कर इन द सेंस जो भी है, लेकिन मेरी अमानत तू बचा। अगर तू वो घर खरीदेगी या तू मेरी अमानत बचाएगी तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून आएगा, क्योंकि मेरी मम्मा के बाद मेरी नानी ने ख्याल रखा है। मतलब मेरी मम्मी है अभी भी, लेकिन मम्मी थी तो भी नानी ज़्यादा ख्याल रखती थी नानी को। दोज डेज लाइक नानी जब खुद नहा नहीं सकती थी वगैरह, तो मैं इतनी छोटी थी गाइस, तो मैं मेरी नानी को सॉरी तो मैं अपनी नानी को नहलाती थी,
I used to give her bath, I used to brush her teeth, I used to dye her hair, I used to take her in hospitals, I used to take her in bank, I used to count her cash, everything. And she was like trustfully, she was like trusting us, like she never trust anyone, she always trust us, like me for example, my brother and my mama, she always trust, like किसी और पे इतना भरोसा वो नहीं करती थी, लेकिन हम लोग पर. लेकिन वो बाद में कैसे ना बुढ़ापा बढ़ते जाता है, तो काफ़ी वो इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी बाकी बेटियों के, भाई बेटे के, मामियों के, सबके इन्फ्लुएंस में आती कि उसके बच्चों को क्यों इधर बुलाते हो, प्यार करते हो, ऐसा करते हो. उनको लगता था कि ये सब कुछ अपने इन बच्चों को देती है क्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. प्यार तो प्यार होता है, बच्चे तो बच्चे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है. प्यार से इंसान बहुत कुछ जीत सकता है. तो दैट्स व्हाट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, काश मेरा यूट्यूब चल जाए, काश मेरा फेसबुक का पेज चल जाए, काश मेरा इंस्टाग्राम. ये कोई कंटेंट नहीं है गाइस, नथिंग लाइक दैट. ये वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, तो ही शेयर करना, तो ही वॉच करना. इसमें ऐसा कुछ फेकपन नहीं है, कुछ नहीं है. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई नानी थिंग. मतलब मैं सोच रही थी काश मेरा, मतलब जो मैं सोच रही वो हो जाए, तो इतने पैसे मैं कमा पाऊँ कि मैं सही में मैं अपनी माँ को वो घर गिफ्ट कर दूँ, उनके मुंह पे वो पैसे मार दूँ जो लोग वहाँ पे कब्ज़ा करने की देख रहे, जो लोग उस घर को बेचने की देख रहे, जो लोग नहीं चाहते कि वो नानी की निशानी वहाँ पे अवेलेबल रहे, जो लोग काफ़ी षड्यंत्र रचा रहे एक घर के टुकड़े के लिए, चंद पैसों के लिए. भले फिर वो कोई भी हो गाइज़ा, कोई भी हो, इंक्लूडिंग कोई भी हो. एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरी नानी का घर वो सही सलामत रहे, उसकी एक याद बनी रहे उसका. अगर कभी मैंने, अगर इंशाल्लाह देखते क्या होता है, अगर जज्बा रहा मेरा, अगर मेरा सब सही चल गया, तो मैं मेरी नानी का घर गिफ्ट करके मेरी मम्मा को दे दूँगी. और उस घर में मैं बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट में लिखूंगी मेरी नानी और मेरे बाबा का नाम. मैंने अपने बाबा को देखा तो नहीं है कभी, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. उनकी पर्सनैलिटी, मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, इतने टॉल, इतने डैशिंग, जैसे विनोद खन्ना कैसे वैसे मेरे नाना जी थे, इतने. सो मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनको हमेशा मैंने फ़ोटोज़ में ही देखा है. बट ही वॉज सो डैशिंग, सो लवली, सो हैंडसम, सो टॉल. अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाता मैं एक पैर शादी कर लेती. मिला था लेकिन नहीं कर पाई. तो ऐसा इतने हैंडसम, इतने डैशिंग, लाइक विनोद खन्ना, ही वॉज वेरी हैंडसम माई नाना. एंड उसके बाद मैं नानी का नाम लिखना चाहूँगी उस नेम प्लेट पर जब हम एंट्री करते हैं, और वो घर काफ़ी मैं अच्छा बना पाऊँ चाहूँगी. और मेरी नानी का और नाना का फ़ोटो, बड़ा फ़ोटो फ्रेम करके मैं उस घर में लगाऊंगी. और मैं उनकी उन यादों को एक्चुअली मैं समेटना चाहती हूँ. और मैं ये उन, मतलब हमेशा उस घर में उनका साया रहे. मैं ऐसा कुछ करना चाहती, साया इन तस उनके ब्लेसिंग्स रहे, उनके आशीर्वाद रहे. सब उस घर में जाने से अभी डर रहे हैं. पहले कोई लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया या वॉट एवर. मैं उन लोग का नाम भी नहीं लेना चाहती, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी या मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू टेक देयर नेम्स ऑल्सो, फॉरगेट इट. बोलते हैं ना कर्मा स्लैप्स यू वेरी बैडली. हम कौन होते बोलने वाले, ऊपर वाला देख रहा है, नानी देख रही है. अब नानी ही फैसला करेगी किसके हाथ में वो घर जाए और किसके नहीं. लेकिन मैं ये ज़रूर, आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखना, आप लोग भी दुआएं करना कि करिश्मा जो चाहती है उसके हर ड्रीम्स पूरे हों. दुआएं अगर ये सही में सच्ची है तो इसकी दुआएं कबूल हो. अगर मैं सही में तहे दिल से सच्ची हूँ, अगर मैं सही में मेरी नानी का घर बचाना चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन वो घर खरीदूँगी, ज़रूर खरीदूँगी. और बोलते ना उनके मुँह पर ऐसे पैसे मारूँगी. मैं लक्ष्मी का अनादर नहीं करना चाहती, बट वो लोग कहते ना क्या बोलते हैं, लालची लोगे, लालची. तो उन लालची लोगों को दो गुना ज़्यादा पैसा देकर उनके मुंह चुप कराना चाहती हूँ. और नानी की यादें जो मैंने अपने दिल में रखी है, उस घर को मैं काफ़ी बड़ा अच्छा
वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है गाइस, वो एक यादें है, वो बहुत कुछ है। वहाँ पे हमारा एक्चुअली बचपन गया है, वो हमारा बचपन है, हमारी यादें हैं। हमें बहुत कुछ उस घर से मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। उस घर से इनफैक्ट इतना हमें मिला है कि कहीं किधर और जाने की ज़रूरत ही कभी महसूस नहीं हुई। बहुत कुछ उस घर से मिला है, प्यार। अभी लेटली रिश्ते खराब होने लगे हैं क्योंकि इंसान लालची बन चुके हैं। कोविड के चक्कर में सबके दिमाग पे असर पड़ गया, सबके दिमाग खराब होने लगे, लालची बन गए सब लोग। पहले लोग लालची नहीं हुआ करते थे, इतनी इतनी सी जगह होती थी तो लाइन बाय लाइन, रो बाय रो सोते थे एक दूसरे के साथ और मस्ती करते थे। दिवालियों पे करण जी, शंकर पाली हमारी मामीज बनाती थी, बहुत कुछ। हमारे मामा हमारे लिए क्या क्या लेकर आते थे, गिफ्ट्स वगैरह। मतलब हम तैयार होते थे साड़ी वाड़ी पहनकर, हमारी मासी लोग हमें तैयार करती थी। वो काफ़ी मतलब एक ब्यूटीफुली, वो स्ट्रांग रिलेशन, स्ट्रांग बॉन्डिंग था। सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, गेट टुगेदर करते थे। बट कुछ लोगों ने ना रिलेशंस को मजाक समझ लिया। ये मतलब न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं। हालाँ बदतमीज़ इसलिए बन गए होंगे क्योंकि उनकी माओ ने उनको कुछ सिखाया होगा कि हमारे साथ ऐसा वैसा, पता नहीं कुछ कुछ नेगेटिविटी फैलाई होगी। बच्चे तो सारे अच्छे ही होते हैं, बट इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। नहीं तो पहले के रिश्तों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ रिश्ते नाम के रह चुके हैं। पैसा है, मनी भाई, पैसा। अगर जो पैसा तुम्हें दे रहा है उसको सैल्यूट करो, अगर जो तुम्हें पैसे नहीं देता, जो तुम्हें हेल्प नहीं करता, जो तुम्हारे नखरे पूरे नहीं करता, उससे तुम किनारा कर लो। बस यही कि यही सीमित तक रह चुका है। नहीं तो पहले के लोगों की इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती थी, बहनों की, भाइयों की, रिलेटिव्स बोलो, बच्चे बोलो, कितने भी लड़ाई हो, या नेबर्स बोलो या फ्रेंड्स बोलो, इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग। हमें अभी भी याद है, हम स्कूल में फ्रेंड्स से लड़ते भी थे तो दूसरे दिन हम जाते थे तो वो लड़की या लड़का हमारे बगैर खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो भूखी है तो हम क्यों खाएं। जब तक वो बात नहीं करती या वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाती, हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसी बॉन्डिंग रहती थी। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी फ्रेंड से ना बात बात पे रुकती थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती। शी इज़ माई बेस्टेस्ट 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 फ्रेंड। अभी वो मेरे टच में नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बदल चुकी है। कोई बात नहीं, वो जा भी रहे मेरी बहन, तो खुश रहे, सलामत रहे, हैप्पी रहे। क्योंकि हर किसी को मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में मैरिज होने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों के साथ ही है। तो उस लड़की ने मेरा इतना साथ दिया, और मेरा मेरे भाई भी काफ़ी, मतलब भाई इन द सेंस मेरे राखी ब्रदर्स मेरे, काफ़ी मुझे याद है अभी भी। जब भी राखी आती थी, मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे लिए चॉकलेट्स, मेरे लिए क्या क्या, किसी से बनवाएं या नहीं बनवाएं, करिश्मा बांट रही है तो हम लोग ज़रूर बनवाएंगे। मेरे लिए मतलब पहले से प्लान रहता था, नहीं तो ये हमें ना पक्का मारेगी अगर हमने इसको चॉकलेट या समोसा, हमारे कैंटीन में समोसा मिलता था गाइस, घसीटा राम मिठाई वाले के यहाँ से आता था, साइंस से, गुरु, सॉरी घसीटा राम नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गुरु कृपा होटल से आता था सायन में, जो सबसे फेमस है गुरु कृपा होटल। आई वॉज इन टू SIS हाई स्कूल माटुंगा। तो वहाँ पे हमारी कैंटीन स्टार्ट की थी स्कूल में, तो गुरु कृपा होटल से ना समोसा आता था। इट वॉज लवली, इट वॉज यामी। तो सारे मेरे राखी ब्रदर्स को पता था इसको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना समझता नहीं है, इसको समोसा देते या चॉकलेट्स देते, बिकॉज आई वॉज सो फूडी ना, एंड एन दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज सो चबी, इतना चबी नहीं थी बट थी। तो मेरे सारे राखी ब्रदर्स, सोचो मेरे लिए समोसा, चॉकलेट्स, कोई आए राखी बांधे नहीं बांधे, बट करिश्मा आएगी तो सबके हाथ ऐसे आगे रहेंगे। एंड दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव, मुझे हमेशा से प्यार करना उनको, मतलब यू नो आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय। मैं गर्लिश कभी नहीं थी, आई वॉज लाइक वेरी मच टॉम बॉय। मतलब मैं अगर चलूँ ना स्कूल से, एंट्री मारूँ,
तो चार बाउंसर्स टाइप मेरे भाई लोग, मेरे राखी ब्रदर्स. एक साइड में मेरी फ्रेंड तो रहती ही थी ऑलवेज, लाइक शी इज़ वेरी मच सपोर्टिव. वो और भी फ्रेंड्स मेरी रहती थी और मेरे बाउंसर्स राखी ब्रदर्स, दो इस तरफ से दो उस तरफ से. एंड जो मेरे सीनियर्स भी थे, जो मेरे भाई के भाई लोग, वो लोग भी मुझे बहन मानते थे, छोटी बहन मानते थे. और ऐसा कि उनको बहनें नहीं थी, उनको बहनें ज़रूर थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन है उनकी तो. लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना उनका अटैचमेंट, प्यार. और उन लोगों को पता था कि इसको अभी भी समझ नहीं है इतनी दुनियादारी की या वॉट एवर. ये शी इज़ लाइक टॉम, हमारे लिए टॉम बॉय है. तो मेरा होमवर्क करना, मेरे लिए भूखा रहना, बहुत कुछ, लाइक बहुत सारी ऐसे यादें रहती. अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया है लाइफ में, हर कोई अपने संसार में व्यस्त है. और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैरिड लाइफ में, बच्चों में, सब में. बट कभी कभी हमें एक दिन में रियूनियन करना चाहिए. व्हाट से गाइस, SIS गाइस, मेरे बैच के भाई लोग, बहन लोग एंड मेरे सीनियर्स भी, हमें एक दिन रियूनियन ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर. देखते कब वो आता है दिन, बट ज़रूर करेंगे हम. एंड ऐसी रहती है बॉन्डिंग. इसलिए मैं अभी सोचती हूँ रब ने अभी नैनीस को क्यों लाना स्टार्ट किया. पहले भी नैनीस थी, ऐसे नहीं. अभी क्योंकि कुछ लोगों के पास नानी अवेलेबल नहीं है तो नैनी आ जाती है बच्चों को संभालने के लिए. नैनीस भी नानी का ही काम करती है. इतना ही कि हम वो उन नैनीस को पैसे देते हैं, बट वो नैनीस भी बच्चों को वैसे ही संभालते. कुछ कुछ नैनीस खड़ूस रहती है, कुछ कुछ काफ़ी स्वीट रहती है. जैसे सेलिब्रिटीज़ की नैनीस देखो कितनी स्वीट है, बच्चों को कैसे अच्छे से संभालती है, अपना बच्चा समझते. आई नो दे आर गेटिंग मोर पे एंड मोर मनी, बट देन टू. और काफ़ी जगह भी है जो नानी अवेलेबल नहीं है तो नैनीस वो फर्ज पूरा कर रही है जिनको हम पे करते हैं. तो ऐसी बॉन्डिंग रहती है. तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया शायद से. मैंने सोचा था 2-3 गपशप करूँगी. अगर ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो शुरू से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना. लाइक बटन प्रेस द थंब बटन, लाइक बटन प्रेस करना, बेल आइकन पे प्रेस करना और ऑल का बटन दबाना ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले कि मेरा वीडियो आ रहा है तो आप देख पाओ. और शेयर करना, सब्सक्राइब करना. जो भी बंदे लोग ये मेरा चैनल देख रहे हैं, नए बंदे लोग, उनसे विनती है तहे दिल से कि सब्सक्राइब करें. और वॉच टाइम बढ़ाना गाइस, वॉच टाइम बढ़ेगा तो अच्छा होगा, मोनेटाइजेशन के लिए चैनल चला जाएगा. जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना अच्छा रहेगा. अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं, अभी भी 1000 नहीं हुए हैं, लेकिन वॉच टाइम भी बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितने के सब्सक्राइबर्स. इसीलिए अगर अच्छा लगे तो वीडियो शुरू से लेकर एंडिंग तक वॉच करना, हालांकि बार बार वॉच करना अगर टाइम हो तो. और पेज को प्लीज़ शेयर करना. और गाइस मैंने नोटिस किया है, मैंने फेसबुक पे मेरी कुछ पुरानी यादें, पुरानी फोटोग्राफ्स डाले हैं शॉर्ट्स में, मिनीज में, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आए. 400-500 लाइक्स, हार्ट्स मिले हैं. जब मैं मेरे बेटे का चैनल का प्रमोशन करती हूँ, जब मैं फेसबुक का प्रमोशन करती हूँ मेरे पेज का, तो उसमें काफ़ी कम लाइक्स, कम हार्ट्स मिलते हैं मुझे. और सब्सक्राइबर कुछ इक्का दुक्का जो है, मेरे फैन लोग इक्का दुक्का या 3-4 या मिनिमम 10 लोग समझ लो. आज मैंने वो फोटोग्राफ्स, मैं ये सोचा आज मैंने वो फोटोग्राफ्स क्या डाली, मुझे इतने सारे हार्ट्स आए, इतने सारे लाइक्स आए. मैं खुश भी और दुखी भी हूँ. आज मेरे फेसबुक पे 4000 एंड अबव फ्रेंड्स हैं. क्या आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते? कहने के लिए तो मुझे फ्रेंड बोलते हो, मुझे मैसेंजर पे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो आप लोग. यू लुकिंग सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो हॉट एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला व्हाट नॉट. तो आप वही लोग हो ना जो मेरे बेटे के पेज को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहती. तो मेरी यही दरख्वास्त है, अगर आप लोग इन पिक्चर्स को देखकर लोगों को हार्ट्स भेज रहे हो, लाइक्स कर रहे हो,
विच इज़ गुड, कॉम्प्लीमेंट है ये, बट मैं थोड़ी डिसहार्टन भी हूँ कि जब मैं अपने बेटे का प्रमोशन करती हूँ, वो मेरा भी चैनल है, यूट्यूब चैनल आरिब लमचानी व्लॉग्स, तो आप 4000 अबव फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब्सक्राइब या एक लाइक बटन नहीं दबा सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कहाँ तुमसे पैसे कोई मांग रहा है या यूट्यूब पैसे मांग रहा है, ये दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी आपसे विनती है, जो मेरे फैन लोग हैं, जो सही में मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर सही में आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे बेटे के चैनल को, आरिब लमचानी व्लॉग्स चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, करिश्मा दारोली लमचानी फेसबुक पेज एक और है मेरा, उसको भी मैंने डाला है, शेयर किया है मैंने स्टोरी को, वो फॉलो कीजिए मेरे सारे पेजेस मेरे, मैं इंस्टा पे भी हूँ लमचानी करिश्मा के नाम से। और मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगता है इस बंदे में कोई बात है कि ये ग्रो करना चाहते हो, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं सही बोलूँ गाइस, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं कोई प्लास्टिक स्माइल नहीं देना चाहती, मैं कोई आपको ये नहीं, आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग वॉच टाइम आवर्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा, और उससे मैं कुछ मुझे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोग चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। अगर आप लोग को, मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ही करना, कोई ज़बर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं आपको फोर्स करूँ। चलेगा मेरा चैनल, लेट ग्रो होगा तो भी चलेगा, किस्मत की बात है, इंसान कहते हैं ना कर्म, कर्म तो नहीं लेगा ना, कुछ भी ले सकता है, कर्म नहीं लेगा, यू नेवर नो, शायद एक दिन मेरा भी चैनल मिलियन तक होगा, यू नेवर नो। ऐसे कितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका एक दुक्का बढ़ता था, आज उनका चैनल इतना है कि मिलियन क्रॉस कर चुका है, मिलियन है आज उनका चैनल, और विच इज़ ग्रेट। तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, आई वेट फॉर दैट डे। ठीक है गाइस, अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, शेयर करना पेज को, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके गाइस, लव यू, ब्लेस यू, कुछ बुरा लगेंगे तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, एंड शब्बा केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और ब्लेस यू, लव यू, कल मिलते एक अच्छी यादों के साथ, बातों के साथ, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी नानी है या नहीं, आपकी नानी के साथ कौन से वो स्पेशल मोमेंट्स हैं जो आपने बिताए हैं, और मेरे लिए दुआएं कर रखना, दुआओं में याद रखना मेरे बेटे को, मुझे, मेरी फैमिलीज को, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।